अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड। जिस तरह से हमने बात की थी अबाउट दी वन फर्स्ट एडर, आज जो है ना हम बात करेंगे टू फर्स्ट एडर के हवाले से कि किस तरह से अगर टू फर्स्ट एडर है तो वो किस तरह से CPR परफॉर्म करेंगे, किस तरह से ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, किस तरह से एक बंदे को CPR करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट दी अनरिस्पॉन्सिवनेस और वही सारा कुछ यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आसान होता है, जब दो बंदे होते हैं और एक बंदे को वो जो है ना रिसिसिटेट कर रहे हैं तो मतलब काम जो है ना वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख लेना तो प्रोसीजर इफ़ टू फर्स्ट एड रेस्क्यूअर CPR, क्या मतलब है कि अगर दो बंदे हैं और वो CPR करने लगे हैं तो उसकी जो है ना प्रोसीजर क्या होगी, किस तरह से वो करेंगे। तो वही पहली बात ये है कि आपने डिटर्मिन अनरिस्पॉन्सिवनेस, आपने क्या करना है, टैप करना है, शाउट करना है पेशेंट को कि आप जो है ना रिस्पॉन्सिव है या वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये मालूम करना है कि वो होश में है या बेहोश है। ओपन द एयर वे, लुक एंड लिसन, फील 3 to 5 seconds। एयर वे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर एयर वे उसका ब्लॉक है तो वो सारा कुछ जो है ना वो ख़राब होगा। ठीक है, तो एयर वे को आपने देखना है, लुक लिसन फील फॉर 3 to 5 seconds। इसके बाद वेंटिलेट ट्वाइस 1 to 3 seconds पर ब्रेथ, पर ब्रेथ आपने 1 से लेकर 2 seconds तक पर ब्रेथ देना है और वेंटिलेट करना है 2 दफ़ा। डिटर्मिन नो पल्स एंड लोकेट CPR फॉर द कंप्रेशन साइट, क्या मतलब है कि अगर नो पल्स है, पल्स नहीं है तो आपने CPR के साइट को मालूम करना है, मतलब अपने हाथों को चेस्ट के ऊपर लोकेट करना है, क्लियर है, एंड CPR जो है ना वो स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर आप दो रेस्क्यूअर हैं, मतलब आप दो बंदे हैं और दो बंदे जो है ना वो CPR परफॉर्म करें, मतलब एक बंदा वो जो है ना क्या होगा, एक बंदा ब्रेथ देगा, दूसरा बंदा CPR करेगा। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अगर आपके पास दूसरा बंदा है तो वो क्या करेगा, वो लाउडली आपको बताएगा कि नो पल्स, पल्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बिगेन द कंप्रेशन। अगर आपने पल्स चेक किया है तो आप जो है ना क्या करेंगे, आप बताएंगे दूसरे बंदे को कि पल्स नहीं है, मैं CPR स्टार्ट कर रहा हूँ। CPR आपने स्टार्ट कर दिया, 30 कंप्रेशन तक जब आप पहुंच जाएंगे ना तो आप लाउडली कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से जो है ना लाउडली आप कहेंगे विद अ कंप्रेशन, एक कंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आप कहेंगे। तो इसको क्या होगा, इसको जो आपके पास दूसरा बंदा बैठा है जो ब्रीथ देगा तो उसको ये पता चलेगा कि आपने कितने कंप्रेशन दे दिए है, तो वो अपने आप को रेडी रखेगा। वेंटिलेट वंस 1 to 2 seconds, स्टॉप माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, 1 से लेकर 2 seconds तक आपने उसको वेंटिलेट करना है। वेंटिलेट का जो है ना या तो माउथ टू माउथ वेंटिलेशन है या दूसरा हमारे पास विद एम्बो बैग। अच्छा, कंटिन्यू विद 1 ventilation every 5 compression, क्या मतलब है कि अगर आपने 5 compression के बाद आपने 1 ventilation देनी है, 5 compression के बाद आपने क्या करना है, 1 ventilation। ये कभी कभार इस तरह से होता है, वरना जिस तरह हम BLS में कहते हैं ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट में, तो वो कहते हैं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाले कहते हैं कि आपने 30 compression के बाद जो है ना 2 breaths देनी है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कभी कभार आप इस तरह कर सकते हैं कि कंटिन्यू विद 1 ventilation after 5 compression, 5 compressions के बाद आपने 1 ventilation को कंटिन्यू करना है। अच्छा, जब आफ्टर टेन साइकिल रीअसेस ब्रीथिंग एंड पल्स, मतलब क्या है कि जब 10 साइकिल आप पूरे कर लेना तो उसके बाद आपने क्या करना है, रीअसेस करना है। रीअसेस का क्या मतलब है कि ब्रीथिंग देखना है, पल्स देखना है। अगर हमारे पास 9 पल्स है तो सेज आपने मतलब पल्स फील नहीं किया तो आप आवाज़ लगाएंगे कि 9 पल्स, कंटिन्यू द CPR, क्लियर है। अगर पल्स नहीं है तो CPR को कंटिन्यू करो, आप ये कहेंगे। अगर पल्स है हमारे पास, ठीक है, तो स्टॉप CPR, क्लियर। पल्स नहीं है, CPR को कंटिन्यू किया जाए, पल्स है हमारे पास तो CPR को स्टॉप किया जाए। अच्छा, नोट में हमारे पास क्या है कि असेस द स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एंड पल्स फॉर 5 सेकेंड्स एट द एंड ऑफ
द फर्स्ट मिनट देन एवरी फ्यू मिनट देयर आफ्टर। क्या मतलब है कि आपने स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग उसको कहते हैं जो बंदा खुद ले रहा होता है, जो पेशेंट खुद ले रहा होता है, तो आपने एसेस करना है उसकी ब्रीथिंग को और उसके पल्स को फॉर 5 सेकेंड्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मिनट। 1 मिनट में आपने कंप्रेशन और ब्रीथिंग दे दी, 1 मिनट के बाद आपने उसकी ब्रीथिंग को और पल्स को एसेस किया, क्लियर? वो नहीं था, नो पल्स था, क्लियर है? तो एवरी फ्यू मिनट्स पर आपने उसको क्या करना है, एसेस करना है, मतलब 2 मिनट 3 मिनट के बाद आपने उसको क्या करना है, एसेस करना है कि पल्स है या पल्स नहीं है, क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास 2 फर्स्ट एडर की प्रोसीजर परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये एयर वैग के लिए जो है ना यूज़ होता है कि एयर वैग को आपने किस तरह से देखना है, किस तरह से ओपन करना है। फिर ये ब्रीथिंग के लिए जो है ना यूज़ होता है कि एक हाथ उसके हेड पे, दूसरा हाथ उसके चिन पे, और आपने उसको जो है ना पिंच नोज करना है और उसको ब्रीथ देनी है। अच्छा, ये आप अगर आप देख ले तो ये हमारे पास क्या है, एक बात ये यहाँ पे तस्वीर में तो इस तरह दिखाया गया है कि एक वक्त में CPR भी हो रहा है और दूसरा कम ब्रेथ भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं, मतलब इसका ये कि पहले ये बंदा CPR करेगा और फिर यहाँ पे जब ये 30 CPR को कंप्लीट कर देगा, क्लियर है? तो 30 कंप्रेशन के बाद क्या होगा, 30 कंप्रेशन के बाद ये इसको कहेगा कि 30 कंप्रेशन कंप्लीट हो गई है, आप 2 ब्रेथ जो है ना वो दे, वो 2 ब्रेथ दे दी, क्लियर है? तो 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ, तो ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से नहीं है कि मतलब सेम एक टाइम पे आपने कंप्रेशन भी देनी है और सेम एक टाइम पे आपने ब्रीथिंग भी देनी है, नहीं, पहले कंप्रेशन फिर उसके बाद जो है ना ब्रीथिंग। अच्छा, ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉक एंड इट्स फर्स्ट एड मैनेजमेंट। एक बंदे को शॉक हो जाए तो उसको फिर हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, फर्स्ट एड किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त है, अस्सलाम वालेकुम।